The Indian men's team stunned the whole nation by beating Japan 3-1 in the quarterfinals to assure the country its first ever medal in table tennis in the history of the Asian Games. Speaking about India's biggest win, TTFI General Secretary MP Singh said that it is one of the biggest achievements made. He further added that the concept is changing as the parents are now supporting their children. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये काफी अच्छे बात नहीं, ये पहली बार ही हो रहा है। तो ये पहली बार जो भारत के बच्चों ने अपना मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, जापान को हराना, इट्स हमारा ड्रीम होता, हर टीम का ड्रीम होता है, क्योंकि वो पिछले 50 साल से डोमिनेट करते आ रहे हैं और 60 साल में जब से 1958 से ये टेबल टेनिस इंक्लूड हुआ है, हमारा ये पहला मेडल टीम चैंपियनशिप का था। उसके बाद और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मनिका बत्रा ने और शरद कमल ने मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, थर्ड सीट को अपना साउथ कोरिया की थर्ड सीट है, वर्ल्ड नंबर वो 7 है और जो गर्ल थी वो वर्ल्ड नंबर 28 थी, उनको हराया। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया के क्वार्टर फाइनल में हराया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेफिनेटली हम तो यही सोच रहे हैं कि अब जैसे ही हमारे को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है, जैसे हमारे बजट बढ़ाए गए, गवर्नमेंट ने हमारे को फॉरेन का एक्सपोजर दिया, बच्चों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने के लिए भेजा, तो उससे ये और रिजल्ट्स आए हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और हमारे को सपोर्ट करे ताकि हम 2020 टोक्यो में मेडल लेके आए। बिल्कुल, इससे तो अभी जो छोटी छोटी एकेडमीज जहां पर 50 से 100 बच्चे खेलते होते थे, आज वहां पर लाइनें लगी हुई हैं 400 से 500 बच्चों का, कि वो तैयारी है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे को टेबल टेनिस खिलाइए पापा, या उनके फादर्स बच्चों के कहते हैं कि आप टेबल टेनिस खेलिए। चेंज हो गया कंसेप्ट इंडिया में। और सबसे बड़ी बधाई मैं देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे को सबसे पहले बुलाया, उन्होंने कॉमनवेल्थ में हमारे को अपना बधाई दी और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप के लिए शुभकामनाएँ दी उन्होंने।